Title of the book, Kitna Shor. Story and narration by Miss Rohini Nilekani. Illustrations by Angie and Upesh. Hindi translation by Rajesh Khar. एक दिन किसान श्रृंगेरी श्रीनिवास अपनी बढ़िया गायों को लेकर पशु मेले को रवाना हुआ। उसे गांव के पास से निकलते हुए नए राजमार्ग से होकर जाना पड़ा। राजमार्ग गाड़ियों से भरा हुआ था। सभी गाड़ी चलाने वाले जोर जोर से हॉर्न बजा रहे थे। गायों को यह शोर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो घर की ओर पलट गई। श्रृंगेरी श्रीनिवास किसी तरह उनको आगे नहीं ले जा पाया। उसने हाथ हिला हिला कर चालकों से शोर न करने के लिए कहा, पर कुछ हुआ नहीं। उल्टे श्रीनिवास को देखकर उन्होंने और जोर से हॉर्न बजाए। सारा शोर उसके सिर में घुस गया और फिर वहीं टिक गया। उसके लिए वह दिन बहुत बुरा था। वो गायों को लेकर घर लौट गया। गायें गौशाला पहुंचकर खुश हुई, पर उसके सिर से वह शोर निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। मानो नौ सिखिए संगीत की धुन बजाने की कोशिश कर रहे हो। शीघ्र ही दूसरी आवाजें भी उस शोर में घुल मिल गई। यहां तक कि वो आवाजें भी उसे बहुत जोर से आने लगी जो वह रोज सुना करता था। मेंढकों का टराना शोर बन गया। झिंगुरों का झींझी बहुत जोर से सुनाई देने लगा। श्रृंगेरी श्रीनिवास का मन शोर मचाने वाले उल्लुओं को भगाने का हो रहा था। उसे कोयलों पर भी सुबह सुबह 4 बजे कू कू करने पर गुस्सा आ रहा था। गायों पर भी जो सुबह 5 बजे रंभाती थी। न जाने किसने इन मुर्गों को सबको जगाने के लिए बांग देने को कहा था। और वह शेर भी कुछ ज्यादा ही शोर मचाता है। बस अब बहुत हुआ। बेचारा श्रृंगेरी श्रीनिवास, उसके तो कान पक गए थे शोर से। उसने शोर से बचने की बड़ी कोशिशें की। अगर बच्चे जोर से बात करते तो वह उनको डांटता। अगर कुकर की सीटी बजती तो वह पत्नी पार्वतम्मा को टेढ़ी नजर देखता। बेचारा श्रृंगेरी श्रीनिवास, उसे तो बस थोड़ी सी शांति चाहिए थी। सभी ने पूरी कोशिश की। पार्वतम्मा ने बच्चों को डांटना छोड़ दिया। बच्चे चुपचाप एक नर्म गेंद से क्रिकेट खेलने लगे। गायें अब रंभाती नहीं थी। झिंगुर और उल्लू यह गांव छोड़कर दूसरे गांव में बस गए। यहां तक कि शेर ने भी गुर्राना बंद कर दिया। फिर भी श्रृंगेरी श्रीनिवास खुश नहीं था। उसे सभी के चुप रहने की कोशिश का भी शोर सुनाई देने लगा था। मैं यह जगह छोड़कर जा रहा हूं, एक दिन सुबह उसने कहा। मत जाओ, पार्वतम्मा ने कहा, तुम्हें खामोशी कहाँ मिलेगी। श्रृंगेरी श्रीनिवास ने उसे केवल घूर के देखा और गांव से बाहर का रास्ता पकड़ा। जल्दी ही वह एक नए कस्बे में पहुंचा। शोरगुल वाले उस कस्बे में उसने शोर मचाते हुए वहां के लोगों को देखा। एक युवक पास से गुजरा। उसके कान से कुछ तारे टंगी हुई थी। श्रृंगेरी श्रीनिवास को टिंग डैंग की आवाज भी सुनाई दी। वह युवक खुश दिखाई पड़ रहा था। उसे पास से चलती जोर से हॉर्न बजाती गाड़ियों से भी परेशानी नहीं हो रही थी। यह क्या है, उसने युवक से पूछा। यह मेरा हेडफोन है, कान में लगाकर देखिए, युवक बोला। उसने श्रृंगेरी श्रीनिवास के कानों में उसे लगा दिया। संगीत गूंजा, टिंग टैंग टिंग टैंग, कोई हॉर्न सुनाई नहीं दिया। वाह, यही तो मैं ढूंढ रहा था, वह बोला। श्रृंगेरी श्रीनिवास ने कस्बे से एक हेडफोन खरीद लिया
और अपने कानों में लगा लिया। अब जाकर शांति मिली। उस नए बड़े से हेडफोन को लेकर वह गांव लौटा। उसकी पत्नी उसे देखकर खुश हुई। वह भी पत्नी को देखकर मुस्कुराया। बच्चों ने उसे नए हेडफोन पर अच्छी अच्छी धुनें सुनने में उसकी मदद की। अब जब कभी भी श्रृंगेरी श्रीनिवास को शोर मचाती गाड़ियों पर या मेंढकों पर गुस्सा आता है तो वह हेडफोन पहन लेता है और अपनी शांति को सुनता है या तो अच्छा संगीत सुनता है। उधर गांव में गायों ने फिर से रंभाना शुरू कर दिया है। मेंढक टर्राते हैं टर टर और झिंगुर झीम झीम करके अपना राग आलापते हैं। लेकिन राजमार्ग की गाड़ियां अब भी बहुत शोर मचाती है। यह कोई अच्छी आवाज नहीं है। श्रृंगेरी श्रीनिवास को फिर से गायों को मेले में लेकर जाना है। क्या उनको भी हेडफोन चाहिए होंगे?